हेलो गाइस, कैसे हो? आज का नई वीडियो लेके तो गाइस बीजीएमआई में आ चुके 1.8 अपडेट जो कि मस्त लगी यार। अभी ऊपर से मैं देख रहा हूँ, अभी फर्स्ट टाइम ही मैंने अपडेट करा, मैं देख रहा हूँ ये वाला सब कुछ भाई क्या क्या नया सीन आया। तो स्पाइडरमैन की अपडेट है, तो स्पाइडरमैन नोवे होम आई थी अभी रिसेंटली, तो शायद से उसका प्रमोशन के चक्कर में यहाँ पे पार्टनरशिप हुई है इनके बीच में। तो यहाँ पे गाइस कुछ नई नई चीज आई है, मैं अभी थोड़ा अचीवमेंट वगैरह देख रहा था भाई क्या क्या आया है। तो यहाँ पे गाइस मैं देख रहा था भाई मतलब क्या क्या माल आया, और भाई मेरे को एक ऐसी चीज मिलेगी जो गाइस मैंने भाई इतने साल वेट करा उस चीज का, भाई अब जाके मिलेगी वो मेरे को। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या चीज है वो। भाई देखो मेरी फेवरेट चीज है, एक तो देखो आपको पता होगा मैं हिटमैन फैन हूं, सो उससे रिलेटेड एक चीज वापस आ चुकी है, एक नहीं बल्कि दो चीज आई है। अब दूसरी वाली जो है वो तो आपकी डिमांड के ऊपर बात है, अगर आप मेरे को कहोगे भाई कमेंट करके वो चीज चाहिए तो चाहिए, आपको मिल जाएगी ठीक है। लेकिन जो एक चीज है वो मेरे ऊपर है वो है, वो तो मेरे को मतलब चाहिए चाहिए, वो है स्मूथ हिटमैन का जो सूट है वो ब्लैक वाला। देखो व्हाइट वाला पहनने में कुछ इतना मजा नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है जैसे व्हाइट कपड़ा पहना तो भाई ज्यादा बंदा इजिली देख पाता है हमें, तो ब्लैक वाली चाहिए था मेरे को, और भाई ब्लैक वाला ही आया है, व्हाइट वाला आया ही नहीं है। खैर वो मिथिक था, ये उसकी थोड़ा सा बेनिफिट था, लेकिन हाँ मेरे को ब्लैक वाला ज्यादा पसंद है उससे, क्योंकि ओरिजिनल जो हिटमैन है यार गेम जो है उसमें मतलब जो मैन होता है वो ब्लैक ही पहनता है ज्यादातर, ब्लैक ही उसका सिग्नेचर सूट है। तो यहाँ पे गाइस थोड़ा सा मैं देख रहा था भाई क्या क्या माल है इनमें। देखो मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को बहुत बेकार लग रहे हैं कपड़े, आपको बढ़िया लग रहे हो तो भाई बताना मेरे को कमेंट करके। मेरे को यार इतने अच्छे नहीं लगे, मतलब इतने अच्छे क्या बेकार ही लगे, ये थोड़ा अच्छा सा लग रहा था, ये जो थोड़ा व्हाइट कलर का आया था ये सही था, ये टोपे वाला ये वाला, लेकिन और मेरे को बेकार लगे। तो गाइस हम सबको पता है कि कैसे साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया दुनिया में ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, और जैसा कि लोग ज्यादातर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं ऑनलाइन रिमोट वर्किंग के लिए, वैसे ही हैकर भी कर रहे हैं। और गाइस क्या आपको पता है कि गेमिंग इंडस्ट्री ने भी एक्सपीरियंस करा है साइबर क्राइम को, जो हायर था किसी और इंडस्ट्री से। प्लेयर जिनकी हाई रैंकिंग होती है और एक्सटेंसिव नेटवर्क्स ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटी के अंदर, वो ज्यादातर टारगेट करे जाते हैं हैकर्स के द्वारा। हम सबको पता है कि हैक होने से हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं राइट स्किल से। तुम चेंज कर सकते हो गेमिंग इंडस्ट्री या फिर किसी और भी इंडस्ट्री को, और हेल्प कर सकते हो एक सेफ एंड सिक्योर गेमिंग एनवायरनमेंट बनाने में। सोच रहे हो कि ये सब कैसे होगा? तो ये पॉसिबल है साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बनने के बाद। ये बहुत ही नीश जॉब प्रोफाइल है और हमेशा डिमांड में रहेगी। सो द टिप ऑफ द डे इज दैट अपग्रेड कैंपस ऑफर कर रहा है 5 मंथ का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम साइबर सिक्योरिटी के अंदर, जहां पर आप सिक्योरिटी की जरूरी चीजें एंड वेरियस वल्नरेबिलिटीज लाइक इंजेक्शन, CSS, XSS सब सीख सकते हो। वो आपको हेल्प करेंगे प्लेसमेंट, लाइव प्रोजेक्ट्स, क्योंकि हम प्रैक्टिकल वाले लर्नर्स हैं, एंड 1-to-1 मेंटरशिप में। ये सिर्फ डिजाइंड है स्टूडेंट्स के लिए एट स्टूडेंट फ्रेंडली प्राइसेस। तो गाइस यही वो है जो आपको ले जाएगा नेक्स्ट लेवल पे आपकी लाइफ के। तो गाइस जाओ अपग्रेड कैंपस पे और अभी एनरोल करो, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। और हाँ गाइस जो चीज मैं कह रहा था ना कि आपके ऊपर है, वो ये जो कार है क्लासिक टाइप थोड़ी विंटेज टाइप जो यूएस है, ये आई थी हिटमैन से रिलेटेड है, इसका थीम भी जहां तक भी है, तो ये भी यार बहुत ऑसम कार की स्किन है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे को कमेंट करके बताना आपको ये भाई मेरे पे चाहिए मतलब मैं निकालूं इसे नहीं, आप मेरे को कमेंट करके बताना। और फिलहाल मेरा सिर्फ ये मकसद था कि मेरे को स्मूथ हिटमैन का सूट चाहिए, तो उसके लिए मैं वो ओपनिंग करने वाला हूं। अभी 2,500 मेरे पे यूसी पड़े थे, तो सबसे पहले इन्हें खत्म करते हैं और फिर जितने और चाहिए होंगे उतने डाल के मैं मतलब स्मूथ हिटमैन मेरे को चाहिए चाहिए। तो यहां पे गाइस हो जाता है भाई शुरू। पहले मैं यहां पे एक दो खोल देता हूं कूपन ओपन के जरिए भी, और अब बारी थी 10 टाइम की। तो यहाँ पे गाइस शुरू हो जाता हूँ मैं, स्किप करता हूँ पहले वाला, तो कुछ खास नहीं मिलता, बेकार ही माल मिला सब कुछ। तो यहाँ पे गाइस अगेन करता हूँ मैं, इस बार स्किप नहीं करता हूँ। यहाँ पे हेलमेट की स्किन मिल जाती है मेरे को स्पाइडरमैन वाली, तो ये काफी सही था, मतलब इस पर थोड़ा स्पाइडर के जाले वाले से का डिजाइन बन रहा। तो यहाँ पे गाइस मैं यूआई की साउंड ऑन कर देता हूँ, थोड़ा मजा आएगा ओपनिंग करने में। तो यहाँ पे गाइस अगेन करता हूँ मैं बिना स्किप करे। तो इस वाले में मेरे को एक ऑर्नामेंट मिल जाता है, ऑर्नामेंट काफी सही है, मतलब ये ठीक ठाक है, मतलब ऐसा तो कुछ यूनिक नहीं है मेरे को। देखो सबसे बेस्ट वही लगता है, अभी उसका तोड़ नहीं आया, अभी जो एलियन वाला है वो मेरे को मस्त लगता है, वही मैं रखने वाला ऑर्नामेंट। तो पेन की स्किन मिल जाती है, सही था, लेकिन फिलहाल मेरे को सिर्फ कॉइन्स की जरूरत थी या फिर कोई बढ़िया सा कपड़ा मिल जाए ना भाई, सही था, मतलब थोड़ा अपना कलेक्शन में जम जाएगा। वैसे मेरे को इनका कोई मतलब वो नहीं था कि भाई मेरे को ये चाहिए है ना, मेरे को सिर्फ चाहिए था स्मूथ हिटमैन का सेट जो कि मेरे को मिलेगा सिर्फ कॉइन्स से, तो मेरी प्रायोरिटी यहाँ पे कॉइन्स थी। कोइंस मेरे को ठीक ठाक अभी मिल चुके थे फिलहाल, तो 134 हो चुके मेरे पास, और ये भाई 360 का है, तो 360 मेरे को कोइन चाहिए। तो गाइस करते हैं भाई शुरुआत, अब यहाँ पे हमारे यूसी खत्म हो जाता है तो यूसी डालता हूँ मैं, फिर दोबारा घुमाते हैं भाई चक्के। तो यहाँ पे गाइस अगेन मैं शुरुआत कर देता हूँ, और भाई इस बार अगेन मेरे को हेलमेट मिलता है, और ये अच्छी बात थी इस वाली स्पिन की कि भाई हेलमेट से मेरे को सिल्वर नहीं मिलेगा, हेलमेट का सिक्के बदल जाएंगे, मतलब हेलमेट सिक्कों में बदल जाएगा। कई स्पिन में हो चुका है ऐसा मतलब पहले, लेकिन कई स्पिन ऐसे भी होते हैं भाई उनमें सिल्वर मिलता है, मतलब डिसमेंटल करना पड़ता है, तो वो बेकार होता है। यही सही है, इसमें सिक्के मिल रहे हैं कम से कम। तो यहाँ पे इस वाली स्पिन में मेरे को कुछ खास नहीं मिलता, कुछ खास है भाई कबाड़ा मिलता है, अब तो क्या ही कर सकते हैं। खैर यहाँ पे सिक्के मिल रहे थे तो थोड़ा सा मेरे को शांति मिल रही थी, नहीं तो इस वाली स्पिन में कुछ ढंग का नहीं मिल रहा, काफी बैड लक चल रहा था यहाँ पे। ऑर्नामेंट मिलता है अगेन जो कि सिक्कों में बदल जाएगा, तो चलो भाई सिक्के मिल रहे हैं यहाँ पे, सिक्के मिलते रहे बस।
और अगेन यहाँ पे काफी सिक्के मिल चुके थे इस वाली स्पिन में मेरे को। और यहाँ पे गाइस मैं हल्का सा टोटका करके आता हूँ भाई, मैं जाता हूँ वहाँ पे मैच मेकिंग वाले एरिए में और थोड़ा सा टोटका करके आता हूँ, क्योंकि एक बार भाई ऐसे मेरा एक सूट निकला था शायद से, या फिर M7 की स्किन में भूल गया, मेरे को याद सी नहीं आ रही, लेकिन हाँ कुछ तो मेरे को मिला था ये टोटका करने से, लेकिन इस वाले में कुछ नहीं मिलता यार, मतलब पबजी वालों ने पैच कर दिया ये टोटका, मेरे को नहीं पता। यहाँ पे गाइस अभी 240 हो चुके थे मेरे पे सिक्के, और अभी मेरे को ना थोड़ा सा और स्पिन करनी पड़ेगी, क्योंकि 100 पे मेरे को और काफी सारे सिक्के मिल जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पे गाइस स्पिन करता हूँ मैं एक, अब स्पिन में तो कुछ नहीं मिलता और 100 सिक्के भी नहीं हुए थे, लेकिन इस वाली स्पिन को जैसे ही मैं करता हूँ 100 अपने हो जाते हैं फुल, और यहाँ पे M4 की मेरे को स्किन मिल जाती है, जो कि देखो भाई देखो ग्लेशियर है मेरे पे फुल है, तो ऑब्वियसली मैं ये तो लगाने नहीं वाला, लेकिन हाँ चलो कलेक्शन में आ जाएगी। तो यहाँ पे 100 अपने हो चुकी थी स्पिन कंप्लीट, तो भाई रिडीम कर लेता हूँ जल्दी से, सिक्के मिल जाते हैं मेरे को। और यहाँ पे मेरे पे फाइनली कोइन हो जाता है 419, तो 360 का स्मूथ हिटमैन सूट था, मैं जल्दी से रिडीम करता हूँ भाई, मतलब इतने साल वेट करा भाई इस चीज का, फाइनली जाके अब मिल रहा है। मैंने क्लासिक क्रेड्स काफी खोली थी इसके चक्कर में, लेकिन घंटा कुछ नहीं मिलता था, तो भाई फाइनली ये वाला सूट मेरे पे आ चुका है, ये मैं काफी दिन से चाह रहा, दिन क्या साल से चाह रहा था मेरे पास जाइए, जब ये फर्स्ट टाइम आया था ना मैंने ट्राई करा था लेकिन मिला नहीं था मेरे को। तो यहाँ पे गाइस अब जल्दी से देख लेते हैं भाई क्या क्या माल मतलब हमने यहाँ से लिया है। अब लूट तो हम काफी गए हैं, 2,500 यूसी पहले गए मेरे और 3,000 बाद में, 5,500 यूसी लग गए यहाँ पे इस स्मूथ हिटमैन के चक्कर में। तो ये वाला सूट तो आप देख सकते हो काफी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे बैक की स्किन मिली है मेरे को जो कि बेकार है यार, देखो साफ कहता हूँ बेकार है, सच में बेकार है यार, मतलब ऐसी लग रही है जैसे भाई वो आरपी में देते हैं उससे बेकार है मतलब। और ऑर्नामेंट मिला है वो थोड़ा सा ठीक है, लेकिन मेरे एलियन वाले से तगड़ा नहीं यार, आप खुद बताओ मेरे को कमेंट करके गाइस कौन सा आपको बेटर लगता है ऑर्नामेंट। और बैक की स्किन तो यार अपनी वही रखने वाला हूँ मैं, जो मैंने अभी नई ली थी वो मेरे को काफी पसंद आ रही है, और एक मम्मी वाली अपनी है ही, और वो 7C वाली वो भी काफी अच्छी है। तो यहाँ पे गाइस मैं हेलमेट देख रहा था भाई, हेलमेट कौन सा है, मतलब कहाँ गया भाई मेरा हेलमेट। तो यहाँ पे हेलमेट था सबसे नीचे, हेलमेट भी आप देख लो भाई यहाँ पे स्पाइडरमैन वाला कैसा लग रहा है आपको। और यहाँ पे ये थी M4 की स्किन जो कि मिली है इस वाली स्पिन में मेरे को, तो ठीक है यार ये M4 की स्किन अगर किसी पे मतलब अपग्रेडेबल नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बात है अगर किसी ने अपग्रेडेबल पे पैसे लगाए होंगे भाई वो वही चलाने वाला है। पेन की स्किन भी ठीक थी लेकिन मैं ग्लेशियर चलाऊंगा क्योंकि मिथिक पेन है यार वो। तो गाइस यही आई थी आज एक स्पिन, तो मैंने आपको वो दिखा दी है। अब मेरे को कमेंट करके ये बात बताना भाई US की स्किन निकाली जाए वो विंटेज वाली, मेरे को बढ़िया लग रही है वो, आप बताओ कमेंट करके, फिर देखते हैं डिसाइड करते हैं भाई लूं या वो ना। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक मार दो, सब्सक्राइब कर लो इस वाले चैनल पे। मैं तो गाइस अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस। और हां गाइस अपग्रेड को चेक कर लेना, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में।